ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ते हुए अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। मंगलवार को दिल्ली से जयपुर आते वक्त भैरोड़ में मैडम राजे समर्थक कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि जो हमारे खिलाफ पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करना है। ये अलवर सिंह का द्वार है और राजस्थान में यहीं से प्रवेश मिलता है। अभी 3 साल है, हमें और लड़ाई लड़नी है। अलवर के भैरोड़ में अपने स्वागत में आए समर्थक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि हमें सच्चाई की लड़ाई लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने हमारे साथ अनर्थ करने की कोशिश की, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है, ऐसे लोगों को हटाने का काम हम जरूर करेंगे। हालांकि मैडम वसुंधरा राजे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जा रहा है कि निशाने पर कांग्रेस नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी का विरोधी गुट था। इस दौरान राजे ने यह भी कहा कि भाजपा की ओर से 3 मार्च को भैरोड़ में आम जन को भी इकट्ठा होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने। मैडम राजे ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप अन्याय के साथ पूरी ताकत से लड़ेंगे। समय बदलता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन इन सब चीजों से हमें सीखना है, दुखी नहीं होना है, अंत में वही करना है जो सही है। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अलवर के विकास को लेकर आगे कहा कि पूरे प्रदेश सहित यहाँ के विकास को लेकर मन में बहुत कुछ आता है। हमारी सरकार ने 10 साल में कई बड़े काम किए, फिर चाहे वो भामाशाह योजना हो या स्वास्थ्य बीमा योजना। मैडम राजे ने कहा कि सबसे ज्यादा तो मेरा दिल धौलपुर के अलवर तक चंबल का पानी लाने पर लगा रहा। अलवर तक चंबल का पानी पहुँच जाता तो यहाँ के हालत भी बदल जाते। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि सरकार को पुराने विकास के कामकाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी अलवर सहित पूरे प्रदेश में फैली अराजकता को मिटाया जा सकता है। राजे ने कहा, पूरे प्रदेश के युवा, महिला, बुजुर्ग और गरीबों ने भाजपा सरकार का साथ दिया था, तभी उस समय के विकास को जनता याद करती है। अब भी प्रदेश में कांग्रेस को रोकने वाली भाजपा ही है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता मेरे लिए परिवार है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली दफा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंची। हालांकि दिल्ली से जयपुर के रास्ते में कई जगह हुए स्वागतों के चलते मैडम राजे बैठक में काफी देर से पहुंची, लेकिन इस दौरान भी मैडम का जलवा देखते ही बन रहा था। मैडम राजे के प्रवेश कार्यालय पहुंचते ही समर्थकों ने राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं मैडम के कार्यालय से रवाना होते समय भी जमकर नारेबाजी देखने को मिली। इस दौरान कार्यकर्ताओं में मैडम के सामने अपने हाजिरी लगाने की होड़ सी मची रही। प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि विचलित होने की जरूरत नहीं है, हमें दिल बड़ा रख के काम करना है और जो हमारा परिवार है उसे एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। इस दौरान मैडम राजे ने एक बार फिर दोहराया कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उन्हें उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। आपको बता दें, राजस्थान भाजपा में कलह खत्म करने के उद्देश्य से आलाकमान के निर्देश पर मैडम राजे समेत प्रदेश के समस्त वरिष्ठ नेताओं की बनी इस कोर कमेटी से भी अब तक वसुंधरा राजे किनारा ही करती रही। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक 20 विधायकों ने विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर सदन में सवाल न पूछने देने के आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी थी। आपको बता दें, मैडम राजे समर्थक नेता लगातार वसुंधरा राजे को सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा अब तक चुप रही और पार्टी की बैठकों से दूरी बनाए रखी। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे गुट के 20 विधायकों की चिट्ठी पर बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि उन्हें चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। सिंह ने कहा, मुझे तो चिट्ठी नहीं मिली, मगर ऐसी बात पार्टी फोरम पर करना चाहिए। हम सभी को गहलोत सरकार को हटाने के लिए कार्य करना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।